दीदी क्या हुआ? देखो मेरी फुटबॉल पानी में डूबी नहीं। दीदी पत्थर तो पानी में डूब गया लेकिन मेरी फुटबॉल तो पानी में डूबी नहीं, ऐसा क्यों? तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि फुटबॉल हल्की है और पत्थर भारी है। ये सिक्का, ये तो तुम्हारी बॉल से बहुत हल्का है, इसे पानी में डाल के देखते हैं कि क्या होता है। डूब जाएगा। अगर ऐसा है तो जहाज पानी में क्यों तैरता है? वो तो पत्थर से बहुत भारी होता है। तो क्या कारण है? इसके लिए तुम्हें आर्किमिडीज का नियम समझना होगा। वह क्या है? चलो कल लाइब्रेरी में चलकर देखेंगे। मनोज मैं यहाँ देखती हूँ, तुम वहाँ देखो। जूनियर साइंस, विज्ञान के अद्भुत क्षण। दीदी मुझे मिल गई। अच्छा आज से लगभग 2500 साल पहले की बात है, ग्रीस देश में आर्किमिडीज नाम के एक महान वैज्ञानिक रहते थे। ग्रीस के सम्राट हेरो आर्किमिडीज को बहुत मानते थे। एक बार ग्रीस के सम्राट ने एक सुनार को एक मुकुट बनाने के लिए कुछ सोना दिया। जब मुकुट बनकर आया तो सम्राट को मुकुट बहुत पसंद आया, लेकिन उन्हें शक हुआ कि सुनार ने मुकुट में चांदी की मिलावट की है। सम्राट ने आर्किमिडीज से मुकुट में सोने की शुद्धता की जांच करने को कहा। उस जमाने में आजकल जैसी आधुनिक तकनीकें नहीं थीं, इसलिए आर्किमिडीज उलझन में पड़ गए। आर्किमिडीज ने सम्राट से एक वैसा ही सोने का टुकड़ा मांगा जैसा सम्राट ने सुनार को मुकुट बनाने के लिए दिया था। आर्किमिडीज ने तोला तो पाया कि मुकुट का द्रव्यमान और सोने के टुकड़े का द्रव्यमान बराबर है। आर्किमिडीज सोचने लगे, यदि मुकुट शुद्ध सोने का बना है तो मुकुट और सोने के टुकड़े का आयतन भी बराबर होना चाहिए। अब आर्किमिडीज की समस्या यह थी कि सोने के टुकड़े और मुकुट के आयतन कैसे मापे जाएं? इसी उधेड़ बुन में एक दिन आर्किमिडीज नहाने जा रहे थे। जैसे ही वो पानी से लबालब भरे टब में घुसे, पानी टब से बाहर छलका और बस आर्किमिडीज को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। वो इतने खुश हुए कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए सड़क पर भागने लगे। यूरेका का मतलब मिल गया। आर्किमिडीज को यह विचार कौंधा कि हर वस्तु द्रव में डुबोने पर द्रव विस्थापित करती है और विस्थापित द्रव का आयतन वस्तु के आयतन के बराबर होता है। आर्किमिडीज ने सोने के टुकड़े और मुकुट को बारी बारी से पानी में डुबोया और दोनों के द्वारा बाहर छलके या विस्थापित पानी की तुलना की। मुकुट द्वारा विस्थापित पानी ज्यादा निकला। इसका मतलब यह हुआ कि सम्राट का शक सच निकला। सुनार ने वाकई मुकुट में मिलावट की थी। सम्राट को बहुत गुस्सा आया और उसने सुनार को सजा दी। पर आर्किमिडीज की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आर्किमिडीज ने यह महसूस किया कि कोई वस्तु जब पानी में डुबोई जाती है तो पानी के अंदर वस्तु का भार कम प्रतीत होता है। दीदी क्या पानी के अंदर वस्तु वाकई में हल्की लगती है? शायद। चलो करके देखते हैं।
वो पत्थर उठाओ और इसे पानी में डालो। अब इसे धीरे धीरे उठाओ। सच में दीदी, पानी के अंदर वस्तु वाकई में हल्की लगती है, बाहर निकाला तो ये भारी लगा। पर दीदी ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पानी पत्थर पे ऊपर की तरफ एक बल लगा रहा है, जिसकी वजह से पत्थर पानी के अंदर हल्का और पानी के बाहर भारी लगता है। इस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। अच्छा, तो ऐसा होता है उत्प्लावन बल। पर दीदी ये उत्प्लावन बल होता कितना है? शायद यही सवाल आर्किमिडीज के मन में भी आया होगा और उन्होंने इस सवाल का जवाब खोजा, जिसे हम कहते हैं आर्किमिडीज का नियम। आर्किमिडीज का नियम? चलो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ प्रयोग करके देखते हैं। क्या तुम्हें पता है ये क्या है? हाँ, स्प्रिंग बैलेंस। अब मैंने ये पत्थर इस स्प्रिंग बैलेंस में लटकाया। अब बताओ इसका भार क्या है? 80 ग्राम के तुल्य भार। अब इसे अपनी कॉपी पे लिखो। अब मैं ये पत्थर इस पानी में डालूंगी, देखो इससे क्या होता है। पत्थर के डूबते ही पानी ऊपर आया और ग्लास में आ गया। और इस पानी का आयतन कितना है? पत्थर के आयतन के बराबर। अब इस पत्थर का भार दोबारा पढ़ो। 50 ग्राम का तुल्य भार। बिल्कुल सही। इसका मतलब पत्थर के भार में कितनी कमी आई? 30 ग्राम का तुल्य भार। अब हम इस पानी के भार को नापेंगे। अब इस पानी का भार कितना है? 30 ग्राम का तुल्य भार। दीदी ये तो उतना ही है जितना पत्थर के भार में पानी में डुबोने पर कमी आई थी। बिल्कुल, और यही तो आर्किमिडीज का नियम है। आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हुई किसी भी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अरे ये क्या कर रहे हो? दीदी एक बात बताओ, जब उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है तो पत्थर पानी में क्यों डूब जाता है? वो इसलिए क्योंकि पत्थर का भार जो नीचे की तरफ लग रहा है उत्प्लावन बल से ज्यादा है, इसलिए पत्थर डूब जाता है। यानी कि पत्थर का भार विस्थापित पानी के भार से ज्यादा है। बिल्कुल सही। अच्छा एक बात बताओ, अगर उत्प्लावन बल वस्तु के भार से ज्यादा हो तो क्या होगा? तब तो वस्तु ऊपर आ जाएगी। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे जैसे गेंद का कुछ भाग पानी के ऊपर आता है उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल भी कम होता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब गेंद का भार और उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बराबर हो जाते हैं, ऐसे में गेंद तैरने लगती है। मैं देखता हूँ कि इन सब चीजों में से कौन सी चीज पानी में डूबेगी और कौन सी चीज पानी में तैरेगी। चलो दिखाओ। अरे ये तो तैर रहा है, ये भी तैर रही है, ये भी तैर रही है। ये डूब गई। ये डूब गई। ये भी डूब गए। ये भी डूब गया।
दीदी एक बात और बताओ, ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पानी में डूब जाते हैं, लेकिन लोहे का इतना बड़ा जहाज कैसे तैरता है? अभी देखते हैं। देखो ये कढ़ाई पानी में नहीं डूबी, तैर रही है। इसी तरह से जहाज भी पानी पर तैरता है। चलो मैं तुम्हें कुछ और करके दिखाती हूँ। ये कटोरी, इस कटोरी का भार उस पर लग रहे उत्प्लावन बल के बराबर है, इसीलिए कटोरी पानी में तैर रही है। अब मैं धीरे धीरे कटोरी का भार बढ़ाऊंगी। एक स्थिति ऐसी आती है जब कटोरी का भार उस पर लग रहे उत्प्लावन बल से ज्यादा हो जाता है और ऐसे में कटोरी डूब जाती है। आर्किमिडीज का नियम सभी तरल पदार्थों के लिए लागू है, ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ पानी के लिए होता है। सभी द्रव और गैस तरल होते हैं। द्रव जैसे दूध, डीजल, पेट्रोल? हाँ, और वायु जैसी गैसों के लिए भी। तो क्या गैस के गुब्बारों का उड़ने का कारण भी यही है?